शुक्ला क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 मैथ एके अग्रवाल की बुक का जो पार्ट फर्स्ट है उसका एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स x टू द पावर m और cos इनवर्स x टू द पावर n, तो dy / dx ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या फाइंड आउट क्या करना है, dy / dx हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, हम देखिए अब क्या करते हैं, इसमें dy / लिखेंगे dx, तो डी बाई डी एक्स आप y की वैल्यू है साइन इनवर्स x टू दी पावर m इंटू कॉस इनवर्स x टू दी पावर n। अब स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ दो फलन मिल गए, साइन इनवर्स x टू दी पावर m पहला फंक्शन हो गया है, दूसरा फंक्शन है कॉस इनवर्स x टू दी पावर n हो गया। अब इसको हम दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करेंगे, पहला फलन दूसरा फलन, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, पहले फलन को लिखते हैं स्टूडेंट, दूसरे फलन का अवकलन करते हैं, cos इनवर्स x का डी बाई डी एक्स कर देंगे, प्लस दूसरे फलन को लिखेंगे और पहले फलन का अवकलन करेंगे। स्टूडेंट आप देखिए, मेरा साइन इनवर्स x टू दी पावर m हो गया, अब इसका अवकलन कैसे हम करेंगे, cos इनवर्स x टू दी पावर n का। ठीक है, तो आप जानते हैं यह x टू दी पावर n है, x टू दी पावर n का अवकलन क्या होता है, n x / n - 1 होता है। स्टूडेंट n cos इनवर्स x / n - 1 हो गया, लेकिन स्टूडेंट अभी cos इनवर्स x है फंक्शन, टू दी फंक्शन है, तो cos इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा, -1 / √1 - x स्क्वायर। स्टूडेंट अभी इसका अवकलन अब क्या हो गया, यह इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद प्लस cos इनवर्स x टू दी पावर n इंटू, फिर वही प्रक्रिया यहाँ m sin इनवर्स x पर m माइनस 1। स्टूडेंट sin इनवर्स x से क्या होता है, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, इसके बाद हम देखिए अब क्या हम करेंगे, यहाँ से माइनस n sin इनवर्स x टू दी पावर m cos इनवर्स x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस m sin इनवर्स x टू दी पावर m माइनस 1 cos इनवर्स x टू दी पावर n अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहां 1 माइनस x स्क्वायर क्या है, दोनों में देखिए क्या है, एक या हर है, दोनों से समान है, इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम थोड़ा ठीक कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे इसका अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, यहां से देखिए अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, एन साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर एम इंटू कॉस इनवर्स x टू दी पावर n माइनस 1 हो गया प्लस m साइन इनवर्स x टू दी पावर m माइनस 1 इंटू कॉस इनवर्स x टू दी पावर n। स्टूडेंट आप जानते हैं कि सिस्टम एक आता है, पहले प्लस आता है बाद में माइनस, स्टूडेंट यहां हम क्या करेंगे, पहले प्लस आता है फिर बाद में माइनस आता है, यहां कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन के लिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स पर एम कॉमन हम ले रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स पर एम कॉमन ले रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स पर एम और कॉस इनवर्स एक्स पर एम हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, भाग देना। अब इसमें जब साइन इनवर्स एक्स पर एम से भाग देंगे, ठीक है, या भाग देंगे, ध्यान दीजिए, या भाग देंगे तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए यहां से साइन, यहां देखिए हम समझा रहे हैं थोड़ा बगल में आपको समझा दे रहे हैं, रुक जाइए समझ लीजिए थोड़ा। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना स्टूडेंट होता है, या बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ एम साइन इनवर्स एक्स पर एम माइनस वन
कॉस इनवर्स एक्स पावर एन बटे साइन इनवर्स एक्स पर एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स पर एन किसी से हम भाग देंगे। इससे देखिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यह ऊपर जब जाएगा तो एम साइन इनवर्स एक्स पर एम माइनस वन एम माइनस वन, फिर ऊपर जाएगा तो यह माइनस एम हो जाएगा, क्या हो गया कैंसिल, ठीक होगा कि नहीं होगा कैंसिल, क्या हो गया। अब यहां बचा क्या, एम साइन इनवर्स एक्स पर माइनस वन पावर, या तो आप कॉमन अगर लेना चाहते हैं तो एम माइनस वन ही कॉमन ले सकते हैं, एम माइनस वन भी कॉमन ले सकते हैं अगर चाहे तो, साइन इनवर्स एक्स पर एम माइनस वन का भी मिल जाए, लेकिन एम साइन इनवर्स एक्स पर एम और कॉस इनवर्स एक्स पर एन कॉमन ले लिया हमने। यहां से देखिए एम साइन इनवर्स एक्स पर एम माइनस वन कॉस इनवर्स एक्स पर एन एन माइनस वन, हाँ कॉस इनवर्स एक्स पर एन हो गया, ठीक। लेकिन कॉमन आप एम सॉरी एम माइनस वन एन माइनस वन कॉमन लीजिए, कॉमन ए लीजिए, कॉमन ए लीजिए एम माइनस वन एन माइनस वन, तो साइन इनवर्स एक्स पर क्या हो जाएगा एम माइनस वन, इससे यह कर गया और कॉस इनवर्स एक्स पर यहां बचा क्या, कॉस इनवर्स एक्स पर एन और ऊपर जाएगा एन माइनस वन, तो कॉस इनवर्स एक्स पर एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, माइनस एन से एन कैंसिल, कॉस इनवर्स एक्स बचेगा खाली, क्या बचा यहाँ एम कॉस इनवर्स एक्स बचा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, सीन स्टूडेंट आप इसमें भाग देंगे तो कॉस इनवर्स वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा एन साइन इनवर्स एक्स, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट यहां से हमने साइन इनवर्स एक्स पर एम माइनस वन और कॉस इनवर्स एक्स पर एम माइनस वन कॉमन निकाला है, जब कॉमन निकालते हैं तो भाग देते हैं, भाग देते हैं तो भाग देते हैं तो भाग हमने दिया कॉसाइन इनवर्स एक्स पर एम माइनस वन और कॉस इनवर्स एक्स पर एम माइनस वन से भाग हम देंगे, इससे क्या हो गया यह कैंसिल, क्योंकि पहले प्लस वाला आता है तब माइनस वाला आता है, सारी माइनस है, माइनस है स्टूडेंट यार, माइनस है यार, माइनस है, ठीक तो ध्यान दीजिए। तो इसमें इसमें यह देखिए साइन इनवर्स एक्स पर एम माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, एम बचेगा और कॉस इनवर्स एक्स पर एम माइनस वन है, तो नीचे से ऊपर जो ऊपर भेजेंगे तो माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स की ओर बचेगा, फिर वही प्रक्रिया यहां बच गई, यही आपका क्या हो गया, दिस इज योर आंसर हो गया, यही आप देखे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। शुक्ला क्लासेस में आप ध्यान देते रहिए, वीडियो आप देखते रहिए, सवाल लेके अग्रवाल अजय कुमार अग्रवाल इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के बुक का पार्ट फर्स्ट चल रहा है, प्रतिदिन वीडियो आपको मिलेंगे, आप देखते रहिए और लाइव क्लास भी देख सकते हैं, सुशील कुमार शुक्ला फेसबुक पर लाइव क्लास भी चलेगा, उसको भी आप देख सकते हैं, लाइव क्लास भी देख सकते हैं, लाइव क्लास हमेशा देख सकते हैं आप। थैंक्स।